सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाहों के प्रसार को रोकने के प्रयास के तहत किस्वतवाड़ जिला प्रशासन ने व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को जिलाधिकारी कार्यालय में 10 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। कठोर कदम के तहत लोगों से यह भी कहा गया है कि वे अधिकारियों को शपथ पत्र देकर कहें कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड सामग्री के लिए वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और इस तरह की सामग्री से कानून के संभावित उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह आदेश जिला विकास आयुक्त DDC अंग्रेज सिंह राणा ने जारी किया है। अंग्रेज सिंह राणा ने आगाह किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, रणबीर दंड संहिता और साइबर अपराध कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि DDC ने किस्वतवाड़ के पुलिस अधीक्षक अबरार चौधरी द्वारा 22 जून को उन्हें भेजे गए पत्र के जवाब में यह आदेश जारी किया गया है। SSP द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया था कि जिले में समाचार समूह समेत बड़ी संख्या में व्हाट्सएप समूह चल रहे हैं। अक्सर पाया गया है कि वीडियो, ऑडियो और लिखित सामग्री के रूप में अफवाह, गलत सूचना और अपुष्ट या आंधी अधूरी सूचना के रूप में प्रसार किया जा रहा है। इससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होने की आशंका जन्म ले रही है। उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी अप्रिय घटना या कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होने से रोकने के लिए व्हाट्सएप न्यूज या अन्य समूह और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गलत सूचना या अफवाहों के प्रसार को तत्काल रोकने की आवश्यकता है। आगे देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉप 10 न्यूज चैनल को और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें।